सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर की जनता को एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री के साथ उड्डयन मंत्री और राज्य मंत्री वीके सिंह भी मौजूद रहे। सीएम ने एयरपोर्ट की कलाकृतियां और डिजाइन देखकर तारीफ भी की। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी उनके साथ मौजूद रहे। इस दौरान यहां सीएम योगी ने एक बार फिर पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पीएम के नेतृत्व में विकास की तस्वीर बदल गई है, उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बन रहा है। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि बहुत जल्द भी और भी एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता अनिल जुड़ेंगे। अनिल, सीएम योगी ने आज कानपुर में एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि कानपुर के एक बड़ी सौगात मिली है। सौगात के रूप में कानपुर एयरपोर्ट मिला है, तो कहीं ना कहीं कानपुर की जनता के लिए काफी आज का सुखद दिन है। जिसके अलावा बता दूं कि जिस हिसाब से पिछले कई वर्षों से कानपुर का एयरपोर्ट जो कि विकास की गति में कहीं ना कहीं एयरपोर्ट की कमी देखने को मिल रही थी, जो कि आज योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय उड़न मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में कानपुर को एक बड़ा उपहार मिला है। इसके अलावा बता दूं कि जिस हिसाब से आज की व्यवस्थाएं की गई थी, कहीं ना कहीं लगभग पिछले कई समय से कानपुर का एयरपोर्ट इन सब चीजों की वजह से अधूरा रह गया था। लगभग दिसंबर 2019 में जब इसके द्वारा रेनोवेशन के लिए सरकार ने कदम उठाए थे, तो कहीं ना कहीं जिस हिसाब से काम चल रहा था बहुत धीमी गति से चल रहा था, लेकिन पिछले वर्ष ही जब योगी आदित्यनाथ अधिकारियों पर नाराज हुए और 3 कंपनियों के लाइसेंस निरस्त कर दिए थे, जिसके चलते लगभग उस समय पिछले साल तक कुल 48% काम हुआ था, लेकिन अगर देखी जाए बात लगभग 10 महीने में 52% का काम पूरा हो गया। इसके अलावा बता दूं जिस हिसाब से कानपुर के लोग आज के दिन काफी खुशी मना रहे हैं और जिस हिसाब से कानपुर एक औद्योगिक नगरी है, औद्योगिक नगरी के साथ में इस बस इन्हीं सब चीजों से जुड़ा रह गया था। इसके अलावा बता दूं कि लगभग दो साल पहले की बात है, पीएम कानपुर थे और कानपुर में काफी बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से इनका कानपुर से हेलीकॉप्टर नहीं जा पा रहा था, तो मोदी जी को ऑन रोड लखनऊ जाना पड़ा था। लखनऊ से वहां से उन्होंने उड़ान भरी थी दिल्ली के लिए, तो कहीं ना कहीं उस समय भी एक बड़ी कानपुर की बेइज्जती हुई थी और उस समय पे ही योगी आदित्यनाथ ने पकड़ लिया था कि कानपुर का जो एयरपोर्ट है कहीं ना कहीं आने वाले कुछ समय में ही दे दिया जाएगा। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब जनता को बवाल की और जनता के सामने रूबरू हुए, जनता से अपनी बातें बोली और साथ ही बोला कि जिस हिसाब से कानपुर के लोगों को चमक चेहरों पर चमक दिख रही है और देखने योग्य है, और साथ उन्होंने ये भी बोला कि आने वाले समय में लगभग उत्तर प्रदेश में कुल 11 एयरपोर्ट 3 साल के अंदर जो कि उड़ाने भरना चालू कर देंगे। जी अनिल, कानपुर का नया एयरपोर्ट किन किन सुविधाओं से लैस है और आम जनमानस को इससे कितनी सुविधा मिलने वाली है और कितनी राहत मिलने वाली है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि इसमें जो कानपुर का एयरपोर्ट है पिछले के अकॉर्डिंग लगभग 16 गुना बड़ा बढ़ाया गया है। इसके अलावा बता दूं लगभग 400 यात्रियों की वहां बैठने की व्यवस्था है, साथ ही इसमें 3 टर्मिनल बनाए गए हैं कि एक साथ 3 हवाई जहाज यहाँ पे उतर सकते हैं और जा सकते हैं। इसके अलावा कानपुर का जो एयरपोर्ट है वो कहीं ना कहीं जो देश की वायुसेना है उसका भी इसका उपयोग कर सकेगी, क्योंकि यहाँ पे जो वर्तमान में स्थिति बनाई गई है, चाहे बारिश हो रही हो, चाहे विजिबिलिटी शून्य हो या तो रात हो, तो कहीं ना कहीं जिस हिसाब से नई तकनीकी का प्रयोग किया गया है, किसी भी समय कानपुर में के इसको वायु विमान को उतार सकते हैं। साथ ही जिस हिसाब से कानपुर की व्यवस्थाओं को देखने की बात करें तो कानपुर में एयरपोर्ट को लेकर व्यवस्थाएं काफी अच्छी कर दी गई है। साथ ही लगभग 2 बसें 150 जो पार्किंग की अगर बात की जाए तो 2 बसें हैं, 150 कारें हैं और लगभग 400 लोगों का हमेशा यहाँ पे एक साथ आ सकते हैं। इसके अलावा बता दूं लगभग 14 दुकानें हैं जो कि अलॉटमेंट आगे कर दी जाएंगी के अंदर, और इसके अलावा कानपुर के जो मुख्य धरोहर है उससे यह छूटा नहीं रखा गया है। कानपुर के जो धरोहर है उनको वहाँ पे प्रदर्शनी में लगाया गया है, चाहे पंकी मंदिर हो, चाहे बिथूर हो,
और चाहे जेके मंदिर हो और फिर चाहे गंगा बैराज हो, उन सभी की फोटो जो है गंगा एयरपोर्ट पर लगाई गई है। और कहीं ना कहीं जिस हिसाब से जो एयरपोर्ट की डिजाइन था उसको ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ही फाइनल किया था, क्योंकि लगभग कई इसकी फोटो बनाई गई थी, कई इमेजेस बनाई गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो उसमें महल का लुक दिया गया है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के फाइनल करने पे ही बनाया गया है। आज उन्हें जो जिस तरीके से आपने बताया कि जो भी कलाकृतियां वहां रखी गई है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने देखिए उनकी तारीफ भी की है। और नए कानपुर के एयरपोर्ट को किन किन शहरों से जोड़ा गया है? जी मैं बता दूं कि अभी फिलहाल में भी जो चार जगह के लिए यहाँ से फ्लाइटें लगेंगी चालू होंगी, जो कि दिल्ली है, कानपुर है, कोलकाता है, इसके अलावा बैंगलोर भी है। बैंगलोर के बाद लगभग 6 महीने बाद 8 से 10 शहरों से और कनेक्टिविटी की जाए, क्योंकि अभी जो उड़ाने हैं वो अभी पूरे भारत की ही होगी। अभी नेशनल इंटरनेशनल की फ्लाइटें जो है 6 से 8 महीने बाद चालू की जाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं जिस हिसाब से देखा जाए ये कानपुर के लिए एक बड़ी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अक्सर देखा जाता था कि कानपुर के लोगों को फ्लाइट पकड़ने के लिए लखनऊ जाना पड़ता था, और लखनऊ जितना टाइम कानपुर से लखनऊ में लगता था तो कहीं ना कहीं एक देरी की संभावना भी होती थी। इसके अलावा बता दूं कि जिस हिसाब से कानपुर के एयरपोर्ट में तैयारियां की गई हैं और जिस हिसाब से रोड कनेक्टिविटी को जोड़ा गया है कानपुर के एयरपोर्ट को, चाहे वो फतेहपुर हो, चाहे कानपुर हो, चाहे कन्नौज हो, और फिर चाहे कानपुर देहात हो या उरई हो, जिस हिसाब से रोडों को चौड़ीकरण कर दिया गया है ताकि आम जनमानस को एयरपोर्ट तक पहुंचने में किसी भी असुविधा का सामना ना हो और अपने यात्रा को सुचारू रूप से शामिल कर सके। इसके अलावा बता दूं कि लगभग कुछ समय पहले ही इंडिगो ने फ्लाइट बंद कर दी थी कानपुर से दिल्ली की, सिंगल फ्लाइट चल रही थी और वर्तमान में सिर्फ 3 फ्लाइटें चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं अव्यवस्था के चलते बंद कर दी गई थी। अभी 3 कंपनियों ने अपनी अपनी लेटर दिए हैं, लेटर में इन्होंने कानपुर से दिल्ली के लिए उड़ाने भरने की बात कही है, कानपुर से बैंगलोर के लिए उड़ान भरने की बात कही है, और साथ ही कानपुर से कोलकाता के लिए भी उड़ान भरने की बात कही है। सभी ने अपना अपनी टाइमिंग और अपने अपने जो भी शेड्यूल है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी को दिए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी के किस पे निष्कर्ष निकालती है। साथ ही बता दूं लगभग जो अभी वर्तमान में शेड्यूल किया गया है, कानपुर का सुबह 8 बजे से फ्लाइट जाएगी दिल्ली के लिए, जो कि 1.5 घंटे के अंदर दिल्ली पहुंचा देगी, और साथ ही शाम को लगभग 4 बजे दिल्ली से कानपुर में फ्लाइट आएगी। तो कहीं ना कहीं दिल्ली की कनेक्टिविटी और मेट्रो सिटी की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटीज काम कर रही है, और देखने वाली बात होगी कि ये सब बसें चालू माफ करिएगा ये फ्लाइट चालू होने के बाद कानपुर के लोगों को कितना सुविधा मिलेगी। जी बिल्कुल अनिल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सरकार द्वारा तय कार्यक्रम के मुताबिक नगर निकायों के निर्वाचित महापौर, अध्यक्ष और पार्षदों को शपथ दिलाई गई। भाजपा के प्रदेश संगठन ने दोनों उप मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रियों को अपने अपने प्रभार वाले जिलों में शपथ ग्रहण के मौके पर मौजूद रहने के निर्देश दिए थे। लखनऊ में भी बीजेपी से विजयी रही सुषमा खरकवाल को मंडलायुक्त रोशन जैकब ने शपथ दिलाई। उधर मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षागृह में नवनिर्वाचित महापौर और पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह में जमकर हंगामा हुआ। शपथ ग्रहण समारोह के शुरू होने पर वंदे मातरम करने को लेकर हंगामा हो गया। यहाँ ओवैसी की पार्टी के पार्षदों के साथ भाजपा के पार्षदों ने मारपीट कर दी। तो बता दें कि आज नगर निकाय चुनाव में जीत के बाद सभी नव निर्वाचित महापौर अध्यक्ष पद के लिए शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी नगर निकायों में जीत किए गए अध्यक्ष पद के लिए, महापौर पद के लिए सभी को शपथ ग्रहण दिलाई गई। वहीं शपथ दिलाने के दौरान मेरठ से एक नई तस्वीर सामने आई, जहां पर AIM के पार्षदों और बीजेपी के पार्षदों में मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से दोनों पार्षदों के बीच जमकर बवाल हुए हैं। वहां पर पुलिसकर्मी मौजूद लोगों को बचाते हुए नजर आए।
ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ मेरठ से संवाददाता राजन सोनकर जुड़ेंगे और लखनऊ से हमारे संवाददाता विभांशु हमारे साथ जुड़ेंगे। विभांशु, आज सुषमा खरकवाल ने महापौर पद के लिए शपथ ग्रहण ली है। जुपिटर हॉल में आज शपथ ग्रहण समारोह रखा गया, जिसमें लखनऊ नगर निगम के नव निर्वाचित मेयर सुषमा खरकवाल ने गोपनीयता की शपथ ली। साथ ही साथ विधि द्वारा स्थापित जो तमाम शपथ के दौरान वादे होते हैं उसको पूरा किया। साथ ही आपको बता दें कि महापौर सुषमा खरकवाल को मंडलायुक्त रोशन जैकब के द्वारा शपथ दिलाया गया। उसके ठीक बाद पारंपरिक गाउन में सुषमा खरकवाल ने जो 110 लखनऊ नगर निगम के पार्षद है उनको शपथ दिलाया। साथ ही आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह की तरफ से महापौर सुषमा खरकवाल को गदा भेंट किया गया और गदा एक प्रतीक चिन्ह रहा है सत्ता के हस्तांतरण का। साथ ही आपको बता दें कि आज के कार्यक्रम में साफ तौर से सुषमा खरकवाल ने कहा कि जो लखनऊ वासियों का 32 साल से भारतीय जनता पार्टी का विश्वास है और 32 सालों से लगातार कहीं ना कहीं बीजेपी का मेयर रहा है और इस विश्वास को पर खड़े उतरेंगी और जो प्रमुख समस्याएं हैं लखनऊ की ट्रैफिक और साथ साथ पेयजल की समस्या, स्वच्छता की समस्या, इसको दुरुस्त करेंगे। इस कार्यक्रम में अगर बात की जाए तो सूबे के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना और पूर्व मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा समेत पूर्व मेयर संयुक्ता भाटिया मौजूद रही। इन तमाम गणमान्यों के द्वारा आज ये साक्षी बने शपथ ग्रहण समारोह का। और बात करें तो लखनऊ नगर निगम के सभी पार्षदों ने भी कहीं ना कहीं संविधान की शपथ ली और इस बात को आश्वस्त कराया कि जो प्रमुख समस्याएं हम उसको दुरुस्त करेंगे। जी राजन, जिस तरीके से लखनऊ में शपथ ग्रहण पूरी शांति तरीके से संपन्न हो गया, वहीं मेरठ से जो तस्वीर सामने आई है AIM और बीजेपी के पार्षदों में जमकर बवाल हुआ है। इसका आयोजन किया गया था सेल्वा कुमारी जेब यानी कि कमिश्नर और मेरठ के जिला अधिकारी दीपक मीणा सहित तमाम अधिकारी और बीजेपी के दिग्गज नेता इसमें शामिल हुए थे। वहीं जब इस कार्यक्रम का शुभारंभ 11 बजे होना था, जब इसका कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ तो वंदे मातरम यानी कि राष्ट्रीय गीत के साथ में इसका शुभारंभ हुआ। जब गीत बजा तो गीत का उन्होंने सम्मान नहीं किया, ऐसा बीजेपी के पार्षदों का आरोप है कि MIM के जो पार्षद हैं, मेरठ में 11 पार्षद हैं, उन्होंने राष्ट्रीय गीत का अपमान किया है। वो सीट से अपने खड़े नहीं हुए, उन्होंने वंदे मातरम नहीं बोला। वहीं MIM के पार्षदों का ये कहना है कि हम वंदे मातरम किसी कीमत में नहीं गाएंगे, हम जनगण मन गालेंगे, हम हर तरीके से जो संविधान के प्रति चीजें हैं हम उनका पालन करेंगे, लेकिन हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। क्योंकि ये जो शपथ ग्रहण समारोह है ये भारतीय जनता पार्टी का नहीं, ये नगर निकाय चुनाव का है, ये नगर निगम का है, पार्षदों का है, मेयर का है, ये एक किसी राजनीतिक दल का नहीं है। इसमें सभी राजनीतिक दल का सहयोग है और सभी राजनीतिक दल के यहाँ पर जनप्रतिनिधि बैठे हैं, ऐसा MIM के पार्षदों का कहना है। तो वही कुछ चार पार्षदों को गंभीर चोटें भी आई हैं क्योंकि उन्होंने बीजेपी के पार्षदों पर आरोप लगाया मारपीट का। वहीं मेडिकल थाना पुलिस में उन्होंने शिकायत दर्ज करके FIR कराकर कार्रवाई की मांग की है पुलिस से और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि इस तरीके का जो व्यवहार है, बीजेपी गुंडागर्दी कर रही है, बीजेपी के जो पार्षद हैं वो लगातार गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनकी तानाशाही कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, ऐसा MIM का पार्षदों का कहना है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि समारोह में वंदे मातरम गीत यानी कि राष्ट्रीय गीत है, इसका अपमान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए पुलिस की तरफ से और हम भी इसको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन से कार्रवाई की मांग करेंगे। और ये सारी घटना वहां पर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है क्योंकि वहां तमाम जो पत्रकार थे उन्होंने वीडियो अपने मोबाइल में कैद किया और तमाम टीवी चैनलों पर चली। वहीं प्राइम टीवी ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया है, प्रमुखता से प्रसारित किया है। दोपहर में भी प्राइम टीवी ने इस मुद्दे को उठाया था कि आखिर शपथ ग्रहण समारोह में इस तरीके की मारपीट ये कहां का वो है जी। तो वहीं इस मामले को लेकर पुलिस भी गंभीर है, जब मामला बहुत तेजी से बढ़ा, जब पुलिस राजन इस पूरे मामले पर प्रशासन ने क्या कुछ कहा है और क्या कुछ कार्रवाई करेगी?
देखिए बिल्कुल जिस तरीके से वीडियो वायरल हुई है, वीडियो के आधार पर और लोगों के बयान के आधार पर पुलिस इसमें अपने तरीके से कार्रवाई करेगी। फिलहाल अभी तक जो चीजें सामने निकल कर आई है वो मेडिकल पुलिस की है कि मेडिकल थाना क्षेत्र लगता है और मेडिकल में MIM के पार्षदों की तरफ से तहरीर दे दी गई है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कि जिन कार्यकर्ताओं ने वहां पर MIM के पार्षदों के साथ में मारपीट की थी तो उनका यही मांग है कि बीजेपी की जो तानाशाही है, जो गुंडागर्दी आरोप लगाना है, इस तरीके की उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस से यही मांग कर रहे हैं। विभाशुल, लखनऊ में शांतिपूर्ण तरीके से शपथ ग्रहण समारोह जो है संपन्न हुआ, आगे अब क्या कुछ तैयारियां रहेंगी? साफ सुना, जो लखनऊ वासियों का 32 साल से बीजेपी पर विश्वास रहा है, लखनऊ नगर निगम से अगर देखा जाए तो 1995 से लगातार भारतीय जनता पार्टी के समर्पित प्रत्याशी ही कहीं ना कहीं जीतते हुए आए हैं। और जो सुषमा खरकमाल की स्पीच को उठाकर देखें उसमें साफ उन्होंने कहा कि जो 32 साल से लखनऊ की जनता का विश्वास है उस पर खड़े उतरेंगी और जो अधूरे काम है पूर्व के अगर देखे तो मेयर के द्वारा उसको सबसे पहले संपन्न कराया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं लखनऊ के 110 वार्ड में जाऊंगी और वहां से फीडबैक लूंगी और उस आधार पे कहीं ना कहीं काम करूंगी। साथ ही अगर बात की जाए नंदनी तो प्रदेश राजधानी के अंदर में कहीं ना कहीं ट्रैफिक और साथ ही साथ स्वच्छता को लेकर आए दिन सवाल खड़े होते हुए नजर आए हैं और इसको दुरुस्त करने की बात सुषमा खरकवाल आज कहते हुए नजर आई है। साथ ही उनका कहना है कि किसी दल का पार्षद हो उसके साथ वो तालमेल मिलाकर और विकास का जो कार्य है वो एक समान प्रदेश के हर अलग अलग माफ करिएगा लखनऊ नगर निगम के हर एक कोने में करते हुए नजर आएंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि राजधानी लखनऊ स्मार्ट सिटी के अंदर में आता है और स्मार्ट सिटी के तहत कहीं ना कहीं अभी विकास कार्य उस तरह के नहीं हुए हैं तो सबसे पहले लखनऊ को स्मार्ट सिटी के तौर पर प्रस्तुत करना है और लखनऊ में स्वच्छता और खासकर ट्रैफिक की जो समस्या है उसको कहीं ना कहीं दुरुस्त करना है। देखने वाली बात यह होगी कि जनता ने अपना विश्वास जताया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि पार्षदों ने भी कहीं ना कहीं इस बात पे हामी भरी कि जनता के विश्वास पे हम खड़े उतरेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि कितनी समस्याओं को कितने समय के अंदर दुरुस्त किया जाता है वो आने वाला समय बताएगा। नंदनी राजन, जिस तरीके से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, अब क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी और क्या कुछ अब आगे का रहेगा? पुलिस की तरफ से फिलहाल जांच की जा रही है और पुलिस का ये कहना है कि जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी चाहे वो कोई भी हो। तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नई संसद के उद्घाटन पर तीखी टिप्पणी की है। सेंगोल पर अखिलेश यादव के बयान से नए सियासी बहस शुरू हो चुकी है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण यानी एक हाथ से दूसरे हाथ में जाने का प्रतीक है। लगता है भाजपा ने मान लिया है कि अब सत्ता सौंपने का समय आ गया है। अखिलेश यादव ने सेंगोल का साल 2024 के लोकसभा चुनाव से खास कनेक्शन भी बताया। अखिलेश यादव ने दावा किया कि अगले साल लोकसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन होगा। इससे पहले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने सेंगोल को राजतंत्र का प्रतीक बताया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ऐसे में सेंगोल का देश की संसद में क्या काम होगा। तो नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर लगातार सियासी संग्राम तेजी से बढ़ रहा है। वहीं अखिलेश यादव ने अब सेंगोल को लेकर ट्वीट किया है। सेंगोल को लेकर ट्वीट करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने हस्तांतरण का प्रतीक दिया है। अब 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा ने मान लिया है कि वो सत्ता परिवर्तन से बाहर हो रही है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विवेक जुड़ेंगे। विवेक, लगातार देखिए नए संसद भवन को लेकर जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां विरोध जता रही थी, अब सेंगोल को लेकर विरोध किया जा रहा है और उसी को लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया है।
विवेक से हमारा संपर्क टूट गया है, हम दोबारा प्रयास करेंगे। तो आपको बता दें कि सेंगोल को लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी सेंगोल को राजतंत्र का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में राजतंत्र का प्रतीक क्यों लाया गया, इसका संसद में क्या काम है। तो सेंगोल को लेकर एक बार फिर से विवाद छिड़ा हुआ है। 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन किया जाएगा, जिसको लेकर विपक्षी दल लगातार अपना विरोध जता रहे हैं। वहीं अब सेंगोल को लेकर भी नया सियासी पारा चढ़ चुका है। एक बार फिर से हमारे संवाददाता विवेक की तरफ रुख करेंगे। विवेक, अखिलेश यादव ने सेंगोल को लेकर ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि बीजेपी मान चुकी है कि 2024 में वो सत्ता से बाहर हो रही है। देखिए, अगर बात की जाए तो देश के नए संसद भवन पर पहले से ही सियासी संग्राम छिड़ा हुआ था। आजादी के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि देश को एक हाईटेक पार्लियामेंट्री हाउस मिल रहा था, जिस पर तमाम राजनीतिक पार्टियां सरकार का विरोध कर रही थी। तकरीबन 20 राजनीतिक पार्टियों ने इस उद्घाटन समारोह का बाइकॉट किया है। वहीं अगर बात की जाए तो तकरीबन 16-17 पार्टियां ऐसी हैं जो सरकार के साथ खड़ी नजर आ रही हैं और ओपनिंग सेरेमनी का 28 मई को हिस्सा भी होंगी। इसके लिए बाकायदा एक याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी कि किस प्रकार से राष्ट्रपति से इसका इनॉग्रेशन नहीं कराया जा रहा है, प्रधानमंत्री खुद इसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं और ऐसा करना संविधान और लोकतंत्र के लिए खतरा भी बताया गया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया और उसकी याचिका को खारिज कर दिया गया। लेकिन इसके बाद से सेंगोल के जो समीकरण बने हुए हैं, इसमें एक नया एंगल लेके आता हुआ देखा जा सकता है। इस पर राजनीति भी अब तेज हो गई है। अखिलेश यादव से लेके तमाम बड़े नेता, चाहे वो जयराम रमेश कांग्रेस के हों या फिर अखिलेश यादव हो, तमाम बड़े नेताओं ने इस पर कटाक्ष किया है और कहा है कि अखिलेश यादव को अगर ट्वीट की बात करें तो ट्वीट करते हुए कहा है कि सेंगोल जो है, जिस तरीके से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है सभापति के पास, उनके आसन के पास इसे स्थापित किया जा रहा है, तो बीजेपी मान चुकी है कि सत्ता के हस्तांतरण का समय आ चुका है। अगर बात की जाए तो जयराम रमेश ने साफ तौर पर यह बात कही है कि जब माउंटबेटन और दादाजी और नेहरू, उस समय तत्कालीन की बात की जाए, तो जब सेंगोल को सौंपा गया था तो ये कहीं भी नहीं कहा गया था, किसी भी दस्तावेज में इसका उल्लेख नहीं था कि ये सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है। तमाम ऐसी बात जयराम रमेश ने कही और उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि वो बात करते हैं पर फैक्ट बहुत कम, फैक्ट जो है वो काफी कम रखते हैं। ऐसे में सेंगोल को लेकर जो है सियासी संग्राम पूरे देश भर में छिड़ना शुरू हो चुका है। वहीं सेंगोल को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये जो है प्रजातंत्र का प्रतीक है, इसका लोकतंत्र में क्या काम है, ये राजतंत्र का प्रतीक है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा। जी बिल्कुल, तमाम नेता जो है वो विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और ये वही राजनीतिक दलों के नेता है जिन्होंने बायकॉट की मांग की है, इनॉग्रेशन सेरेमनी में न जाने की बात कही है। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी तो विपक्ष सेंगोल के मुद्दे पर राजनीति कर रहा है लगातार, इस ये बात कही जा रही है, चाहे वो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हो या फिर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वयं प्रसाद मौर्य। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सेंगोल जो है एक प्रजातंत्र का प्रतीक है, पुराने समय में सेंगोल का इस्तेमाल किया जाता था, पहली बार नेहरू को मदुरा के पुजारी द्वारा ये सेंगोल जो है वो सौंपा गया था, उसके बाद इसको म्यूजियम में रख दिया गया था। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब ये सेंगोल सौंपा जाएगा तो लोकसभा के जो स्पीकर है उनके आसीन के पास जो है इसको स्थापित कर दिया जाएगा और समय समय पर इसको निकाला भी जाएगा। ऐसे में उन्होंने पूरी घटनाकर को पिछले से जोड़ते हुए कहा कि ये उस समय की बात है जब देश में प्रजातंत्र हुआ करता था, राजाओं का राज हुआ करता था, लेकिन अब देश में लोकतंत्र है। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो है ये ऐसा दर्शा रही है कि देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है, प्रजातंत्र का दौर आ चुका है, ऐसा स्वयं प्रसाद मौर्य ने कटाक्ष करते हुए कहा था। तो सभी राजनीतिक दल जो है जो विरोध कर रहे हैं इस इनॉग्रेशन सेरेमनी का, वो अब सेंगोल पे राजनीति करते हुए देखे जा सकते हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक। केंद्र की सत्ता में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने मोदी सरकार से 9 सवाल पूछे हैं। एक
प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक बुकलेट जारी कर कहा कि हमारी पार्टी पीएम मोदी से 9 सवाल पूछ रही है। हम जानना चाहते हैं कि पीएम मोदी इन सवालों के जवाब देने को लेकर अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे। कांग्रेस ने पूछा कि ऐसा क्यों है कि देश में महंगाई और बेरोजगारी आसमान छू रही है, सार्वजनिक संपत्ति आप अपने मित्रों को क्यों बेच रहे हैं, किसानों की आय दुगनी क्यों नहीं हुई, किसानों के लिए MSP कानून क्यों नहीं बना, अदानी को फायदा पहुंचाने के लिए LIC और SBI में जमा आम लोगों का पैसा क्यों लगाया गया है। PM बताएं कि चुनावी फायदे के लिए बंटवारे की राजनीति का उपयोग किया जा रहा है और समाज में डर का माहौल बनाया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ेंगे। विभांशु, 9 साल मोदी सरकार के पूरे हो रहे हैं, वहीं कांग्रेस ने एक बुकलेट जारी कर 9 सवाल पूछे हैं। जी बिल्कुल नंदनी, जहां भारतीय जनता पार्टी की NDA यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के 9 साल पूरे हो रहे हैं, इसी क्रम में बीजेपी की तरफ से देश भर में अलग अलग कार्यक्रम रखे जा रहे हैं, जिसमें 51 मंत्रियों को सूची बनाई गई है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सरकार की बखान करते हुए नजर आएंगे। आपको बताएं कि 30 मई को मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं, उससे ठीक पहले अब कांग्रेस पार्टी भी एक कहीं ना कहीं कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है, जिसमें साफ तौर से प्रधानमंत्री से 9 साल में 9 जवाब नाम से एक बुकलेट जारी कर रहे हैं और 9 साल में 9 जवाब के तौर पर प्रधानमंत्री से सवाल पूछने का काम करेंगे। आपको बताएं कि 28 तारीख और 29 तारीख यानी कि 28 मई और 29 मई को देश के कई बड़े शहरों में कांग्रेस पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछते हुए नजर आएंगे। और सवालों की अगर बात करें तो देश में बढ़ती महंगाई और रोजगार के और साथ ही साथ अडानी मामले में JPC समेत कई ऐसे सवालों के गुलदस्ता के रूप में कांग्रेस पेश करेगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि जहां सरकार के 9 साल को लेकर सत्ता पक्ष पूरी तैयारी कर रही है, वहीं 9 सवाल को लेकर कांग्रेस पक्ष भी अब कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जहां प्रधानमंत्री के 9 साल पूरे होने से ठीक पहले 28 और 29 तारीख को जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, इस पर 9 प्रमुख जो सवाल होंगे वो क्या होंगे, इसको लेकर अगर बात की जाए तो बुकलेट के जरिए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछने का काम करेंगे। वही अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी इस बात पर लगातार सवाल पूछते हुए आई है कि आखिर देश के प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सवाल को क्यों नहीं लेते हैं। ऐसे कई सारे सवालों को कांग्रेस पार्टी के नेता अलग अलग मंचों से पूछते हुए आएंगे। आपको बता दें कि अब देखने वाली बात यह होगी कि 9 साल के जो कार्यकाल रहा है इसको कीर्तिमान के तौर पर बीजेपी के नेता प्रस्तुत कर रहे हैं, तो अब कांग्रेस के नेता 9 साल में 9 जवाब मांगने का काम कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या 9 साल के जो 9 सवाल है कांग्रेस के, उसका जवाब बीजेपी के किसी नेता के तरफ से आएगा या नहीं, वो आने वाला समय बताएगा। जी, 9 सवाल के साथ साथ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ये भी कहा कि जो पुरानी परियोजना है सिर्फ उनका नाम बदला जा रहा है, मोदी जो है सिर्फ अपनी मार्केटिंग और ब्रांडिंग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की तरफ जयराम रमेश की तरफ से यह आरोप लगाया गया है कि जो कांग्रेस पार्टी की जो UPA थी यानी कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जो थी, उसके द्वारा जो तमाम योजनाएं चलाई गई थी और जो उनके रोड मैप थे, जो उनका कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का एक काम करने का तरीका था, उसी तरीके के साथ बीजेपी भी काम कर रही है महज नामों को बदल कर, ऐसा आरोप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कहीं ना कहीं लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अब जयराम रमेश की अगर बात की जाए तो राज्यसभा से सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं और वो लगातार कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी को घेरने का प्रयास करते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जहां एक तरफ मनीष तिवारी, साथ ही साथ गोविंद बल्लम और जयराम रमेश जैसे नेता कहीं ना कहीं ट्विटर के माध्यम से और अलग अलग मंचों से सवाल पूछ रहे हैं, क्या इसका जवाब आता है नहीं वो तो समय बताएगा, मगर निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी इसको एक इवेंट के तहत देश के अलग अलग कोने में प्रधानमंत्री से के 9 साल पर 9 जवाब उनसे मांगेगा। और देखने वाली बात यह होगी कि इस सवालों के जवाब क्या सत्ता पक्ष की तरफ से आते हैं नहीं, वो आने वाला समय बताएगा। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु।
चार बजे की चार बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।